Assalamualaikum students, I am Mohammad Bilal Khan and I am your physics instructor. हम जो है वो आज discussion continue करेंगे force and motion की, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा YouTube channel अभी तक subscribe नहीं किया तो बेटा जाएं उसके ऊपर फौरन से उसे like करें और subscription जाएं ताकि आप लोगों को हमारी updates मिलती रहें और आप तमाम discussions को easily जो है वो वहाँ पे approach कर सकें. अच्छा students, हमारा जो आज का topic है that is force and motion. इसके आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे. सो लेट्स सी कि उनके जो है वो आंसर किस तरह से हैं और उनकी लॉजिक्स जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं. सो दैट विल बिकम इजी फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो. द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नेगेटिव एट. ड्रॉ करती है. अब यहां पे देखिए आपको चार पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ. क्वेश्चन में उसने पूछा है कि बताएं किस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी. आपने ये भी देखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज वेलोसिटी. आपने ये नोट करना है कि वेलोसिटी जो है वो किस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव होने का मतलब स्लोप डिक्रीजिंग होगी. तो आप देखें पॉइंट सी के ऊपर तो स्लोप इंक्रीज कर रही है, पॉइंट डी के ऊपर स्लोप जीरो है, ई पॉइंट के ऊपर स्लोप डिक्रीजिंग है, एफ पॉइंट के ऊपर इंक्रीजिंग है. इसका मतलब पॉइंट ई जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर उसने डाटा के अंदर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िएगा. अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड. द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकंड एंड 2 सेकंड ऑफ इट्स मोशन विल बी. देखिए उसने आपको इनिशियल स्पीड दी है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड और उसने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि जब टाइम 1 सेकंड गुजर चुका होगा और 2 सेकंड गुजर चुका होगा तो एक्सेलरेशन a1 ओवर a2 की रेशियो क्या होगी. देखिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से अगर आप स्ट्रॉन्ग देखें तो हमारे पास क्योंकि ये फ्री फॉल मोशन है, फ्री फॉल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट और उसकी वैल्यू 9.8 या g होती है. अगर आप 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप एक्सेलरेशन की रेशियो लेंगे तो दैट विल बी 1:1 या 1 इसका आंसर होगा. सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, सेम एक्सेलरेशन, तो रेशियो विल बी 1. नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़े तो देखिए स्टेटमेंट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब इसमें मैंने आपने लेक्चर सुने होंगे अगर, तो लेक्चर के अंदर कुछ कांसेप्ट ये डिस्कस किया जाता है कि अगर स्लोप कांस्टेंट हो तो इसका मतलब जो उसका ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसके अंदर जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगी और दैट विल बी जीरो. लेकिन अगर ग्राफ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बने तो इसके अंदर भी स्लोप कांस्टेंट है लेकिन स्लोप जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो हमेशा याद रखें कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी तो उसकी जो है वो स्लोप कांस्टेंट होगी, यानी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व लाइन हुई तो फिर इसका मतलब इसकी स्लोप वेरिएबल होगी. इफ इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस स्लोप विल बी डिक्रीजिंग एंड इफ इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस स्लोप विल बी इंक्रीजिंग. तो याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्लोप विल बी कांस्टेंट. तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी अल्फा. जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट. Which of the following is not an example of projectile motion? अब इसमें जो options given है उसको देखिएगा. Option है a gas filled balloon. अब देखिए अगर जो balloon है ये gas का fill किया, ये upward motion show करेगा या जब उसमें से gas release हो रही है that will go upward या वो downward आ सकता है. So that will be one dimensional motion, linear. So ये तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जब तक चारों options पढ़ नहीं लेनी आप लोगों ने correct option choose नहीं करनी. Beta option की तरफ चलिएगा. Bullet fired from the gun. तो bullet जब gun से fire की जाएगी तो obviously that will move straight and then gravity की वजह से that will go vertical and go in the vertical direction. That means ये projectile motion है. चार्ली ऑप्शन है फुटबॉल किक. फुटबॉल किक तो वैसे ही जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बिकॉज दैट इज 2D मोशन एंड अ बेसबॉल शॉट. ऑब्वियसली जब क्रिकेट बॉल शॉट हो या बेसबॉल शॉट हो तो दैट विल बी 2-डाइमेंशनल मोशन. सो इसमें से जो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनेगी दैट विल बी अ गैस बलून. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. अगर तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिएगा स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 4 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड एट द सेम वेलोसिटीज एट एंगल ऑफ 20 40 55 एंड 70 विद द हॉरिजॉन्टल. The range of projectile will be largest for the angle. देखिए जी हमारे पास different angles given है. Theta की value उसने हमें 25 दी हुई है. Theta की value उसने हमें 40 दी हुई है. Theta की value हमें उसने 55 दी हुई है. और Theta की value उसने हमें 70 दी हुई है. आप लोगों को range के formula का पता है. Range is equal to Vi square sin 2 theta over g. और lecture के अंदर आप लोग ये चीज़ discuss कर चुके हो कि जब theta जो है वो 45 degree होता है तो 45 डिग्री के ऊपर जो रेंज होती है दैट विल बी मैक्सिमम.
अच्छा अब इसके ट्रिक ये होगा कि आप लोगों ने देखना है कि गिवन एंगल्स में से जो 45 के करीब तरीन एंगल है उसके ऊपर रेंज मैक्सिमम होगी। अगर आप देखिए तो 40 और 25 का डिफरेंस कितना है, तो दैट विल बी 15। अगर आप देखिए 45 और 40 का डिफरेंस कितना है, मैं डिफरेंस लिखता जा रहा हूँ इनके ऊपर कि इनके डिफरेंस 45 से कितने कितने आ रहे हैं। तो अगर आप देखें 25 का डिफरेंस दैट विल बी 15, अगर आप देखें 40 का डिफरेंस दैट विल बी 5, अगर आप देखें 55 का डिस्टेंस तो दैट विल बी आल्सो 15, अगर आप देखें 70 का डिस्टेंस 45 से दैट विल बी 25। तो दैट मींस इनमें से जो सबसे करीब तरीन एंगल 45 डिग्री के दैट इज 40 और इसके ऊपर जो है वो रेंज मैक्सिमम होगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, व्हेन अ स्टैटिक टॉर्क और कपल एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी ऑप्शन देखिएगा, कंटिन्यू स्टेट इन रेस्ट और स्टेडी मोशन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सारी ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं फिर इसमें से देखते हैं बेहतरीन ऑप्शन कौन सी है। गेट लीनियर एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, कंटिन्यूस बाय रोटेट विद अ स्टेडी रेट। अच्छा इसमें दो तीन ऑप्शन जो गलत बन रही हैं पहले हम वो देखते हैं। कंटिन्यू एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेडी मोशन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो वो टॉर्क नहीं फोर्स जनरेट करता है। सो ऑप्शन 1 मुझे इतनी सूटेबल नहीं लग रही। बीटा ऑप्शन गेट्स लीनियर एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, वो भी जो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो बॉडी लीनियर एक्सेलरेशन गेट करती है दैट इज फ्रॉम अ फोर्स, तो ये भी इतनी सूटेबल ऑप्शन नहीं है। चार्ली कंटिन्यू विद द रोटेट विद अ स्टेडी रेट, स्टेडी रेट पे अगर वो रोटेट कर रही है तो फिर तो उस बॉडी में टॉर्क होगा ही नहीं क्योंकि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी विल नॉट हैव टॉर्क, तो ये भी स्टेटमेंट कोई खास नहीं है। डेल्टा देखें जी गेट्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन काफी हद तक ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसमें t is the torque, alpha is the angular acceleration and ti is the moment of inertia. That means whenever body has torque, it will have angular acceleration. So delta is the suitable answer. जी students, question number 7 की statement देखिएगा। A ball is horizontally thrown from a top of the tower. What will happen to its horizontal component of acceleration? देखें जी अगर आप किसी भी tower से अगर आप ball को horizontally throw करते हैं तो that is the example of projectile. Projectile motion के अंदर हम जब ideal case की बात करते हैं तो long x axis कोई acceleration नहीं होता, ना कोई फोर्स होती है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस कोई फोर्स हो भी तो दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। आइडियल केस में हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे, सो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। इसका मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट विल बी कांस्टेंट। अब हमारी जो ऑप्शन है गिवन उनमें से एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो, सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिएगा, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, Which of the following will have greater momentum? अब देखिए अगर आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैं ये कहता होता हूँ जब भी दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, they will have direct relation, और जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती आपको नजर आ रही हैं, तो they will have inverse relation। अगर कंडीशन ये है कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, दैट मींस मैं ये कह सकता हूँ पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। इसका मतलब जो हैवी बॉडी होगी दैट विल हैव ग्रेटर मोमेंटम, और जो जिसका मास कम होगा दैट बॉडी विल हैव लोअर मोमेंटम। सो ऑप्शंस अगर हम देखें तो हैवी बॉडी लाइटर बॉडी बोथ विल हैव सेम कैन नॉट बी सेट, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, एट मैक्सिमम हाइट ऑन द ट्रैजेक्टरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम जीरो। अल्फा ऑप्शन है जी वर्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के अंदर जब हम हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो खत्म नहीं होता, दैट मींस एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटेशनल रहता है, सो दैट इज आल्सो नॉन जीरो। सो इसमें से जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 की पहले स्टेटमेंट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस कि अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं वाटर के ऊपर तो आप एक अपवर्ड आगे की तरफ एक फॉरवर्ड थ्रस्ट फील करेंगे जिसकी वजह से आप स्विमिंग कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्विमिंग है दैट इज इन द अकाउंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इसमें से जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, अ हैवी एंड अ लाइट बॉडी इज ड्रॉड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर व्हिच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। देखिए जी इसमें व्हिच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट का मतलब ये है कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है दैट इज जीरो क्योंकि हमने दो बॉडीज को थ्रो किया है। अच्छा ग्रेविटी ये कहती है, ये हमें जो है वो
लीलियो ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद न्यूटन ने भी इसको कंटिन्यू किया कि कोई भी बॉडी जो है वो जब ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही होती है तो वो साइमल्टेनियसली जमीन तक पहुंचती है, क्योंकि जो भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और ऐसी बॉडी के लिए जरूरी होता है कि ये हर एक सेकंड के बाद अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज करेगी। सो जब ये ग्राउंड तक पहुंचेगी तो ग्राउंड के अंदर पहुंचने में दोनों बॉडीज को सेम टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी जो हाइट है दैट इज सेम। अगर आप इक्वेशन से भी देखना चाहें तो h इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर से भी देख सकते हैं। देखें क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, इसको कैंसिल कर दें, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है, तो क्योंकि सेम हाइट से थ्रो किया गया तो दे विल हैव सेम टाइम टू कम ऑन द ग्राउंड। सो इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है that is reach simultaneously, Charlie is correct one. Question number 12 dekhi. Jee students, question number 12 dekhiyega. Question number 12 ki statement padh raha hu. Question number 12 mein kehta hai, ball is projected at the angle of 45 with a horizontal and its range is 10 meter. Yani hume do cheeze given hai, ek usne hume angle of launching de diya that is 45 degree, aur dusra usne hume range de diya that is 10 meter. Question usne pucha ji what will be the initial velocity? So that is very easy. अगर आप range का formula देखें, r is equal to vi square. अब sine 2 theta की जगह पे मैं directly sine 90 put कर देता हूँ. Sine 91 होता है divided by g. So I can write it as vi is equal to r into g इसका square root. So जब मैं values put करूँगा, so vi is equal to square root r की जगह पे 10, g की जगह पे भी 10, और इसका जो square root है that will be 10. So answer is 10 meter per second. Initial velocity अगर इतनी हो 45 से लॉन्च करें तो बॉडी विल गेट द रेंज ऑफ 10 मीटर, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 200 मीटर। सो मैक्सिमम रेंज हमें गिवन है दैट इज 200 मीटर। वो पूछता है कि बताइए कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है। सबसे पहले तो मैं ये सिखाता हूं स्टूडेंट्स को कि हमेशा याद रखें जब भी वो कह दें कि मैक्सिमम रेंज, so that means आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि लॉन्चिंग एंगल वाज 45 डिग्री। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। अगर ऐसा नहीं है तो साइन 2 थीटा पुट करके भी आप साइन 90 को 1 कर दें और आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास रिलेशन है इसका हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जब मैक्सिमम रेंज कह दिया गया है तो थीटा जो है वो 45 फुट होगा, टेंजेंट 45 विल बिकम 1, सो वी विल गेट r इज इक्वल टू 4h एंड h इज इक्वल टू r बाय 4। अगर उसने हमें रेंज दी हुई है दैट इज 200 मीटर तो इसको मैं 4 पे डिवाइड कर दूंगा, सो वी विल गेट द मैक्सिमम हाइट 50 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल। अच्छा, इसी फार्मूला की हेल्प से हम ये काम भी कर सकते हैं, दैट इज r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। स्टेटमेंट में उसने कह दिया जी जो वर्टिकल मैक्सिमम हाइट है और जो रेंज है दीस आर इक्वल, तो यानी ये जब इक्वल हो जाएंगे मैं कैंसिल कर सकता हूं, सो वी विल गेट द थीटा टेंजेंट इनवर्स 4। अच्छा, अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, दैट विल बी 76 डिग्री, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बुक में भी क्वेश्चन है ऐसा, तो हमें इसकी वैल्यू भी याद रख लेनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्योंकि उसने टेंजेंट इनवर्स फोर्स है सच ऑप्शन दी हुई है, सो 14 का आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है द रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी। अब देखिए जी, एक डायरेक्शन जो है वो 4 न्यूटन की लेट्स से ईस्ट है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो है दैट विल बी 3 न्यूटन। वैसे तो आपको पता है रिजल्टेंट का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। किसी भी आपने फोर्स का या डिस्प्लेसमेंट का किसी का भी रिजल्टेंट निकालना हो इसे यूज करें। इसी फार्मूला में मैं तीन चीजें बताता होता हूं कि जब आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं रिजल्टेंट दोनों को ऐड करके, यानी वेक्टर्स पैरेलल हैं। जब ये दोनों एंटी पैरेलल हो तो आप इनको डायरेक्टली सबट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं, और जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। अब इस केस में क्योंकि दीज आर एंटी पैरेलल तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 4 - 3 दैट विल बी 1, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट 16 की स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जी फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। इसके अंदर इसके यूनिट करेक्ट कर लीजिएगा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, आप यहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए इक्वेशन होती है f =
एम ए. क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 16. एफ इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक अगर हमारे पास मैं फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करूं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, लेकिन मास कांस्टेंट होना चाहिए. यहां भी उसने दो फोर्सेस दी हैं तो मैं इनको रिलेट इस तरह से करूंगा एफ1 ओवर एफ2 इज इक्वल टू ए1 ओवर ए2. हमें फाइंड जो चीज करनी है वो एफ2 है, तो एफ2 विल बिकम इक्वल टू एफ1 इनटू ए2 डिवाइडेड बाय ए1. जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं अगर आप, तो वैल्यूज पुट करने से एफ1 की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे 12, ए2 की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे 10 और ए1 की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 16 में उसने हमें कहा है force of 12 newton of an object in acceleration 4 meter per second square, force required to give an acceleration of 10 meter per second square will be. Unit ka thoda sa agar printing mistake bhi ho to usko correct kar lijiyega students. F is equal to ma equation. If mass is constant then we can say that force is directly proportional to the acceleration. F1 over F2 is equal to A1 over A2. F2 nikalne ke liye aap is equation ko solve kare. So 12 into 10 divided by 4. Jab aap isko solve karenge so you will get 3 into 10 that will be 30 newton. So correct option will be delta. जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है. 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं. फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा एक्सेलरेशन जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम आपको 8 सेकंड गिवन है. अच्छा स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमें वैसे तो रूल पता है कि एक्सेलरेशन को हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन नीचे अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शन सारी की सारी सेंटीमीटर में है. दैट मींस मुझे स्टैंडर्ड यूनिट में जाने की जरूरत ही नहीं है. आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, s is equal to vit plus half at square. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी 0 सो s विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2. एक्सेलरेशन की जगह पे आप 20 पुट करें मल्टीप्लाइड बाय टाइम की जगह पे 8 का स्क्वायर. सो 8 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं 64. जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट विल बी 10 और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 into 10 दैट विल बिकम 640. क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का यूनिट सेंटीमीटर ही रहने दिया था सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका सेकंड स्क्वायर पर में और इसका सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो वी विल गेट द यूनिट सेंटीमीटर. सो वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट 640 सेंटीमीटर. देखते हैं जी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी चार्ली ऑप्शन 640 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा स्टूडेंट्स. अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट विद अ स्पीड v1 एंड देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द v2. इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी विल बी. अच्छा देखिए जी जब भी हमने एवरेज स्पीड को डिस्कस करना होता है तो मैंने आपको लेक्चर के अंदर हम चीज डिस्कस करते हैं कि हमेशा एवरेज स्पीड हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से. अब यहां पे क्योंकि दो इंटरवल्स हैं तो मैं यहां पे दो इंटरवल्स के लिए लिखूंगा d1 plus d2, लेकिन क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है so I can write d plus d. so divided by total time के लिए मैं क्या लिखूंगा t1 plus t2. t1 plus t2 को solve करते हुए आगे चलते हैं, so मैं इसको लिख देता हूँ 2d divided by t की जगह पे मैं लिख रहा हूँ d over v1 plus d over v2. यहाँ से d common निकाल के अगर मैं इस d के साथ cancel कर सकता हूँ, so I will be remaining with 2 over 1 over v1 plus 1 over v2. इसका एलसीएम लें जी, वो जो एलसीएम आएगा v1 v2 वो ऊपर चला जाएगा. मैं एक स्टेप और कर देता हूं, दैट विल बिकम v1 plus v2 डिवाइडेड बाय v1 v2. तो जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे सो वी विल गेट द एवरेज स्पीड दैट विल बी इक्वल टू 2 v1 v2 ओवर v1 plus v2. मैं वैसे क्लास में डायरेक्टली ये फार्मूला लिखवा देता होता हूं कि जब भी बॉडी जो है वो दो इंटरवल्स गिवन हो और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो डिफरेंट स्पीड्स के साथ तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये तरीका होता है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 19 उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ स्टोन इज रिलीज्ड विद अ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड द हाइट ऑफ द टावर विल बी. देखिए इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की कोशिश करते हैं. s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. अगर इसको मैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर दूं तो दैट विल बिकम h इज इक्वल टू vi तो 0 था, इसको यहीं पे कैंसिल कर दें. सो 1 ओवर 2 into जनरली मैं कहता होता हूं आप g की वैल्यू 10 यूज कर लें आपके पास एप्रोप्रिएट आंसर आ ही जाता है, तो आप उसको बाद में एप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय उसने टाइम जो दिया हुआ है दैट इज 4 सेकंड. तो जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे वी विल गेट h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 16. So we will get the height 80 meter. यानी अगर बॉडी को जमीन तक आने में टोटल टाइम 4 सेकंड लग रहा है तो उसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया होगा, दैट हाइट वुड बी 80 मीटर. सो दैट वाज द आंसर. ऑप्शन हमारी बनती है चार्ली. क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 20 में वो ये कहता है जी फकार रेस्ट
फ्रॉम रेस्ट आना चाहिए था एक्सेलरेट यूनिफॉर्म विद अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट. अच्छा देखिए जी, हमें यहां पे स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड तो 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था. फाइनल स्पीड हमें गिवन है 144, लेकिन इसका यूनिट क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600. अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इन दो जीरो को दो जीरो से कैंसिल कर देते हैं, और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं 12 से करता हूं तो 12 3 पे और 12 के ऊपर, दोबारा अगर इसको कैंसिल करता हूं तो 3 1 पे और 3 4 पे, दैट मींस आई विल गेट द स्पीड 40 मीटर पर सेकंड. अच्छा अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल स्पीड आ गई. अब इसके बाद हमें उसने जो पूछा है, जब तक मैं एक्सेलरेशन नहीं निकालता तब तक मैं डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकता, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए vf is equal to vi plus at यूज करें. अच्छा अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है सो हमें यहां से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, vf ओवर t. सो जो टाइम इंटरवल है हमें फाइंड, स्पीड हमारे पास 40 थी, टाइम इंटरवल देखते हैं तो टाइम इंटरवल हमारे पास था 20 सेकंड. जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वी विल गेट 2, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमारा जो अल्टीमेट टास्क है दैट इज टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, सो डिस्टेंस की तरफ चलते हैं, दैट विल बी s इज इक्वल टू vat, तो 0 हो गया, 1 ओवर 2, एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया और t स्क्वायर की जगह पे, यानी जहां पे टाइम था 20 का स्क्वायर, दैट विल बी 400. इसको इससे कैंसिल कर दें सो बॉडी विल कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, दैट इज द आंसर, और ऑप्शन हमारी बनती है 40. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है. देखिए जी क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं. A body is falling freely under the action of gravity. How much distance it will fall during first second of its motion? देखिए जी यहाँ पे मैं आपको दो formulas लिखवाने लगा हूँ. एक formula तो है distance travelled in time t, that is equal to 5 t square. Exactly ये 4.9 t square होता है, लेकिन generally हम question का answer estimate करने के लिए 5 t square भी use कर सकते हैं. Equation आई कहाँ से? S is equal to vat plus half a t square से ही मैंने निकाली. Vat को मैंने zero करके ये solve कर लिया. लेकिन ये तब है जब आपको time given हो t seconds के अंदर. लेकिन अगर आपको उसने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड कह दिया इस तरह का कि सेकंड दूसरे सेकंड में बताएं, थर्ड सेकंड में बताएं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन यू विल यूज s इज इक्वल टू 5 into 2n minus 1. ये फार्मूला बेटा आप यूज करेंगे, लेकिन यहां पे तो दोनों में यूज करने से सेम आएगा, क्योंकि वो चाहे टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड हो चाहे वो फर्स्ट सेकंड हो, उस दोनों के लिए कोई भी यूज हो सकता है. अगर मैं ये वाला फार्मूला भी यूज कर लेता हूं तो s इज इक्वल टू 5 into 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1. So, पहले सेकंड के अंदर जो है वो बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4. क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट्स है, अ ट्रेन टेक्स 1 आवर टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर एंड स्पीड वाज 40 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर इट्स स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए जरा, अगर दो टाइम इंटरवल इक्वल हो तो फिर ये भी फार्मूला मैंने वहीं से निकाला है, जैसे पहले वाली इक्वेशन में मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम निकाला था. लेकिन अगर दो टाइम इंटरवल इक्वल हो तब मैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए v1 plus v2 divided by 2 करूंगा. ये कब के लिए फार्मूला है, जब दो टाइम इंटरवल्स इक्वल हो. जैसे उसने हाफ एन आवर में पहले स्पीड दी, दैट वाज 30, फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में उसने कहा जी 40, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट विल बी 30 plus 40 divided by 2. तो 30 plus 40 70, so we will get 70 by 2, that will be 35 meter per second. So that means अगर हमें दो time interval equal given और different speeds के साथ body move करे, so average निकालने के लिए हम ये वाला formula use कर सकते हैं. 22 का जी correct option हमारे पास बनता है beta, 35 meter per second. Question 23 की तरफ चलते हैं जी. Question number 23 में कहता है, which shows the correct relation between time and maximum height. अब देखें जी हमारे पास जो इसका relation है, h is equal to gt square by 8 होता है. मैं पहले वैसे आपको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि मैं लेक्चर में भी बता देता होता हूं, लेकिन अगर आप लोग कहें कि सर ये आया कहां से, ये ड्राइव कहां से हुआ, तो ये 2018 के अंदर हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है. इसको ड्राइव करने का तरीका ये होगा, आप h की इक्वेशन लिखें, vi square sin square theta over 2g. अब आपको चाहिए क्या, आपको इसमें टाइम इंट्रोड्यूस करवाना है. टाइम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, टाइम का स्क्वायर बनाने के लिए, मुझे एक तो इसको g के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा g से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसकी वजह, ताकि नीचे g स्क्वायर आ जाए. अब मसला ये होगा कि मुझे ऊपर 4 चाहिए, तो दैट मींस मुझे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा. अब अपनी इक्वेशन के मुताबिक यूज करते हुए हम इसको बना लेते हैं जी, 4 vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर.
ये वाला जो ओवरऑल एक्सप्रेशन ये टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी साथ क्या बचता है मल्टीप्लाइड बाय जी बाय 8. सो अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें दैट विल बिकम एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय 8. तो यहां से ये फार्मूला ड्राइव होता है. सो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा. मैंने ड्राइव करके भी दिखा दिया. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी. टू मैसेस 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी. अच्छा अगर बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान पहले तो रिलेशन देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m का रिलेशन यूज होने वाला है यहां पे. तो हम देखते हैं कि हमें डाटा में गिवन है कि जो मैसेस की रेशियो है वो 1:4 है. काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैं रूल ये बताता होता हूं जो चीज सेम हो इसको आप स्किप करें. चीजें डिवाइड हो रही हैं पिछले लेक्चर में पिछले मैंने एमसीक्यू के अंदर बताया था. इफ दे आर dividing then they will have direct relation. That means मैं कह सकता हूँ p square is directly proportional to m. इस तरह भी कह सकता हूँ p1 over p2 is equal to m1 over m2 का square root. क्योंकि p square जो है वो m के proportional था तो p जो है वो square root m के proportional होगा. अगर इनके momentum की ratio मुझे चाहिए so मैं इनके masses की ratio put कर दूँगा that will be 1:4 square root लेके मेरे पास answer आ जाएगा 1:2. So देखते हैं जिसमें से correct option कौन सा है. 24 का beta option is correct. क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं. इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड द चेंज इन मोमेंटम विल बी. तो अच्छा अगर यहां पे चेंज इन मोमेंटम पूछा गया तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू इंपल्स. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स या फोर्स इनटू टाइम. आपको दोनों चीजें गिवन है बेटा. फोर्स गिवन है आपको 20 न्यूटन और टाइम गिवन है आपको 5. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आंसर 100 न्यूटन सेकंड. So that is the option beta. 25 का option beta correct है. Next question देखिएगा बच्चे 26 है. Motorcycle safety helmet extends the time of oscillation, the time of collision, sorry. Hence the decreasing the. अच्छा देखिए जी हमारे पास change in momentum तो same होता है. यानी f into t की value तो हमारे पास constant रहनी है. तो हम actually safety helmet पहन के करने की क्या कोशिश कर रहे होते हैं. हम चाह रहे होते हैं कि collision time increase कर जाए due to elasticity और जो applied force है वो decrease कर जाए ताकि हमारा जो skull है वो सेफ रह सके. सो जब भी याद रखिए हम सेफ्टी हेलमेट की बात आएगी वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द कोलिजन टाइम एंड टू डिक्रीज द अप्लाइड फोर्स. सो इनमें से जो ऑप्शन है दैट विल बी डिक्रीजिंग द फोर्स एक्टिंग. 26 का ऑप्शन बीटा इज करेक्ट. 27 में देखिए जी एक डायग्राम गिवन है. 27 के अंदर कुछ डायग्राम में ग्राफ जो है वो आपके साथ शेयर भी कर लेता हूं. ग्राफ के अंदर उसने कुछ इस तरह का बॉडी को मोशन शो करके यहां पे दो पॉइंट्स बनाए हुए हैं. एक पॉइंट यहां पे पी और एक पॉइंट यहां पे क्यू. ग्राफ जो है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये होता है कि बॉडी ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स की है. यानी बॉडी ने अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में बना ली है. अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं. वो पूछता क्या है. कहता है जी एट पॉइंट क्यू कार मस्ट बी मूविंग विद अ जीरो एक्सेलरेशन. जीरो एक्सेलरेशन का मतलब तो ये होता है ना इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है लेकिन ये चेंजिंग है. सो दैट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. बीटा ऑप्शन कहता है जी रिड्यूसिंग स्पीड. स्पीड रिड्यूस नहीं हो रही नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज कर रही है. दैट मींस इट इज नॉट सूटेबल. चार्ली में कहता है जी ट्रैवलिंग डाउनहिल. जब वो डाउनहिल मूव कर रही होती है ना तो स्पीड उसकी बढ़ रही होती है लेकिन इस पी के मुताबिक जो क्यू का पॉइंट है उसकी जस्टिफिकेशन ये ठीक नहीं है. ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं. ट्रैवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन टू दैट ऑफ पी. तो दैट इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर कि पी में अगर उसकी डायरेक्शन एक तरफ थी लेट्स से दैट वाज अपवर्ड तो क्यू में उसकी मोशन डाउनवर्ड होगी. इन दोनों में वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा पॉइंट जो है दैट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट देखते हैं जी डी ऑप्शन इसका ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं. व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली द क्वांटिटीज आर कंजर्वड. तो इलास्टिक कोलिजन की ये शर्त होती है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो टोटल एनर्जी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. सो इसके अंदर जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट विल बी चार्ली बोथ. 28 देखें जी द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी वन विद इट्स वेलोसिटी. इसके लिए अब आपको एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर वेलोसिटी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेट हो रहे हो दैट इज पीवी ओवर 2. कहता है काइनेटिक एनर्जी एंड पी आर न्यूमेरिकली इक्वल तो मैंने कैंसिल कर दिया. दैट मींस बॉडी विल बी मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. सो देखते हैं जी इसमें से ऑप्शन एप्रोप्रिएट कौन सा. दैट विल बी द चार्ली ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जी. क्वेश्चन नंबर 30 दैट वाज क्वेश्चन नंबर 29 क्योंकि वो एक लॉजिकल 30th में कहता है जी 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1/2 मीटर स्क्वायर. तो मास फाइंड करना है बाय यूजिंग इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए. एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए. फोर्स है जी 1 न्यूटन. एक्सेलरेशन है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द मास 2 kg.
तो देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है. सो दैट ऑप्शन विल बी बीटा. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है जी बीटा. जी स्टूडेंट्स, सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट वाज फोर्स एंड मोशन. होपफुली आप लोगों को कई सारी नई ट्रिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स पता चले होंगे, कई शॉर्टकट पॉइंट्स आप लोगों को सीखने के लिए मिले होंगे. अगर आप इसी तरह की और नई ट्रिक्स, शॉर्टकट्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. नीचे गए दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें. सो हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं. थैंक यू सो मच जी.